हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल डी सीटू सर्कल। तो आज किस वीडियो में सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी और सीजीव्यापम और छत्तीसगढ़ के अन्य सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिसमें छत्तीसगढ़ इतिहास से क्वेश्चन पूछते हैं उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो मेरे चैनल में नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और मेरे वीडियोज को लाइक किए और शेयर किए। तो एक बार सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया इस तो पहला क्वेश्चन ही आ गया आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथन पढ़िए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। स्टेटमेंट दूसरा, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। स्टेटमेंट नंबर थर्ड, अशोक की काली कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। अशोक की कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। तो सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर चुनने के लिए कहा गया है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन गलत ऑप्शन भी चुनने के लिए कहते हैं तो इसमें धोखा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं, केवल एक सही है ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी एक एवं दो सही है, ऑप्शन सी दो एवं तीन सही है, ऑप्शन डी एक एवं तीन सही है और ऑप्शन ई एक दो एवं तीन सही है। तो चलिए हम स्टेटमेंट की सत्यता की जाँच करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट की ओर ध्यान देते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। जी बिल्कुल सही है, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी, दूसरा स्टेटमेंट भी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट की तो अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। देखिए तीसरे स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि नहीं होती है। ठीक है, पुष्टि होती है बोला है, मतलब गलत है, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब हम इसके आंसर की ओर जाएं तो पहले ऑप्शन को देखें तो केवल एक सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, तो केवल एक सही है ये तो हो जाएगा गलत। ठीक है, ऑप्शन बी को देखें, एक और दो सही हैं। हाँ जी, यही ऑप्शन है आपका सही, एक और दो सही हैं। ठीक है, हमें सही आंसर तो मिल गया लेकिन हम बाकी ऑप्शन की ओर और नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी की ओर देखें तो दो एवं तीन सही हैं। देखो दो तो सही है लेकिन तीन गलत है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार हम ऑप्शन डी को देखें तो एक तो सही है लेकिन तीन क्या गलत है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार हम ऑप्शन ई को देखें, ठीक है, वन और टू तो सही है लेकिन थ्री तो गलत है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं सरगुजा जिले की। ठीक है, तो सरगुजा जिले की रामगिरी पहाड़ी में क्या है, सीता बेंगरा एवं जोगीमारा की गुफा क्या स्थित है। ठीक है, जिसको हम मौर्यकालीन माना जाता है। ठीक है, जिसको मौर्यकालीन माना जाता है, किसको, रामगिरी पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफा को, ठीक है, मौर्यकालीन माना जाता है, जो सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, सरगुजा जिले के रामगिरी पहाड़ी में स्थित है, क्या स्थित है, सीता बेंगरा एवं जोगीमारा की गुफा। ठीक है, जोगीमारा गुफा से मौर्यकालीन लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, जोगीमारा की गुफा से क्या हुआ है, मौर्यकालीन लेख प्राप्त हुआ है जिसमें देवदासी सूतनखा और देवदत्त के प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, देवदासी सूतनखा और देवदत्त के प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर हम इस लेख की बात करें तो इसकी भाषा क्या है, पाली है। ठीक है, भाषा पाली है और लिपि क्या है, ब्राह्मी, याद रखिएगा। ठीक है, भाषा क्या है, पाली है, लिपि क्या है, ब्राह्मी है। ठीक है, तो ये थे इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि आपको सही स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोला है या गलत स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखते हैं, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त की प्राकृत स्थिति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। स्टेटमेंट टू, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। स्टेटमेंट थर्ड, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है, एक दो एवं तीन सही हैं, ऑप्शन बी दिया है, एक एवं दो सही हैं, ऑप्शन सी दिया है, दो एवं तीन सही हैं, ऑप्शन डी दिया है, एक एवं तीन सही हैं, ऑप्शन ई दिया है, केवल एक सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही स्टेटमेंट ढूंढना है। तो चलिए हम देखते हैं पहले स्टेटमेंट को, तो समुद्रगुप्त की प्राकृत स्थिति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त की प्राकृत में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्राकृत की अगर बात करें, ठीक है, जो क्या है, हरिचंद द्वारा रचित है। ठीक है, हरिचंद द्वारा रचित प्राकृत में समुद्रगुप्त के दक्षिण पथ विजय अभियान के बारे में बताया गया, दक्षिण पथ अभियान के बारे में बताया गया, दक्षिण पथ विजय अभियान के बारे में बताया गया। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि वह अपने दक्षिण विजय अभियान, दक्षिण पथ अभियान में जब आता है या, ठीक है, तो उस दरमियान वे क्या करते हैं, कोसल के राजा महेंद्र को पराजित करते हैं और महाकंतार के राजा व्यागराज को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, कोसल के राजा
महेंद्र को पराजित करने के बारे में उल्लेख है। दूसरे स्टेटमेंट के देखें तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में कुशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। हाँ, अभी भी हम देखें कि समुद्रगुप्त जो है अपने दक्षिण पथ अभियान में जब आते हैं तो कुशल के राजा महेंद्र को और महाकांतर के राजा व्याघ्र को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कुशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। पहला भी स्टेटमेंट क्या था, सही हम देखे थे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ये स्टेटमेंट गलत है, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था बल्कि उसको अपने अधीन शासन करने दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, समुद्रगुप्त प्राप्त करके छत्तीसगढ़ को कुशल कहा गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में कुशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। ठीक, अब हम ऑप्शन इसके सही आंसर की तलाश करते हैं। तो पहला, दूसरा, हम तीसरा सही है, ऑप्शन बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए बात करें, पहला दूसरा तो सही है लेकिन तीसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखें तो एक हम तो सही है, मतलब यही होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को देखें, दो में तीन सही है, देखो दो तो सही है लेकिन तीन गलत है, इसलिए भी कहा जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ऑप्शन डी को देखेंगे, एक एवं तीन सही है, देखो एक तो सही है लेकिन तीन गलत है, इसलिए भी कट जाएगा। और ऑप्शन ई दिया, केवल एक सही है, देखो एक तो सही है लेकिन केवल एक सही नहीं बल्कि उसके साथ दो भी सही है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, लिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो राजश्री तुल्य कुल, पहला दिया है महासिगुप्त, बम है सरपुरी, और दूसरा दिया भीमसेन, सम है पांडुवंश, और तीसरा दिया बौद्ध, इधर दम है नलवंश, और इधर चौथा में दिया प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ऑप्शन ए दिया है अ तीन ब एक स चार द दो, ऑप्शन बी में दिया अ दो ब चार स एक द तीन, ऑप्शन सी में दिया अ एक ब तीन स दो द चार, डी में दिया अ एक ब दो स तीन द एक। ठीक है, तो चलिए इसको हम जोड़ी मिलाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय तुल्य कुल का हो जाएगा आपका क्या होगा, भीमसेन। ठीक है, राष्ट्रीय तुल्य कुल भीमसेन, सरपुरी का हो जाएगा प्रसन्न मात्र, सरपुरी का हो जाएगा प्रसन्न मात्र। ठीक है, सरपुरी का क्या होगा, प्रसन्न मात्र, सरपुरी प्रसन्न मात्र, राष्ट्रीय तुल्य कुल भीमसेन, पांडुवंश महासिवगुप्त, नलवंश का हो जाएगा आपका भावदत्त वर्मन। ठीक है, नलवंश का हो जाएगा भावदत्त वर्मन। तो चलिए देखते हैं पहला का क्या है, दो, पहला का दो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन दो में, ऑप्शन बी में ही दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब तो हमारा सही ऑप्शन निकल, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, देखते हैं बाकी और मिला के, ब का चार, ठीक है, और पांडुवंश का, महासिवगुप्त एक, स का एक, ठीक है, द नलवंश का, नलवंश का तीन, भौतर वर्मन, ये भी ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। ठीक है, अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो अ का तीन दिया, अ का तीन नहीं बल्कि अ का तो दो है। ठीक है, तो वो कट जाएगा, तो हमें सही आंसर मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आ गया हमारे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सूची को सूची बात सुमिलित कीजिए, यहाँ पर भी हमको सुमिलित करना है। तो सूची और राजवंश के बारे में, और सूची ब में दिया है शासक, शासक दिया। ठीक है, तो ऑप्शन अ में दिया है भौतर वर्मन, और पहला दिया पांडुवंश या ब प्रसन्न मात्र, दूसरा सोमवंश कांकेर, स महासिवगुप्त, तीसरा नलवंश व्याघराज, चौथा सरपुरी वंश। ठीक है, तो इसका जोड़ी मिलाना है, ऑप्शन ए में दिया अ का एक, ब का दो, स का तीन, और द का चार। ऑप्शन बी में दिया दो, अ का दो, ब का तीन, स का चार, और द का एक। इसी प्रकार ऑप्शन सी में दिया है अ का तीन, ब का चार, और स का दिया है एक, और द का दिया है दो। उसी प्रकार ऑप्शन डी में दिया है अ का चार, ब का एक, स का दो, और द का तीन। ठीक है, तो इसको हम जोड़ी मिलाते हैं। अगर आप लोग को इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही। ठीक है, देखते हैं बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो ये शासक है आपका नलवंश का, पिछले क्वेश्चन में था ये। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसन्न मात्र का, तो प्रसन्न मात्र जो है आपका सरपुरी वंश का शासक है। ठीक है, और महासिवगुप्त की बात करें तो ये पांडुवंश का शासक है, व्याघराज की बात करें तो ये आपका बच गया सोमवंश कांकेर। ठीक है, तो व्याघराज सोमवंश कांकेर के शासक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म एक तीन, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है एक अ का तीन। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। बाकी और मिला के देख लेते हैं। ठीक है, ब का चार है, स का एक है, और द का दो है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं, और बौद्ध धर्म का होगा नलवंश, प्रसन्न मात्र को होगा सरपुरी वंश, महासिवगुप्त का होगा पांडुवंश, व्याघराज का हो जाएगा सोमवंश कांकित। ठीक है, तो ये रहा चौथा नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीन पर तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सरपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। ऑप्शन ए सरबराज, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन सी सुदेव राज, ऑप्शन डी प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रसन्न मात्र। ठीक है, सरपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे, तो इसका आंसर होगा प्रसन्न मात्र। ठीक है, हम बात करें सरपुरी के शासक प्रसन्न मात्र की,
ठीक है। तो उन्होंने अपने नाम से प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है। और क्या कहते हैं साथ ही उन्होंने सोने व चांदी के पानी चढ़े सिक्के भी चलाए थे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे, किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो इसका सही आंसर क्या, प्रसन्न मात्रा। प्रसन्न मात्रा ने क्या किया था, सर्वपुरी शासक प्रसन्न मात्रा जो थे उन्होंने अपने नाम से प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना किया था और पानी चढ़े सोने व चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद एक बार फिर उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और मेरे वीडियोस को लाइक किए हैं और कमेंट किए हैं। तो